दोस्तों, बिग बॉस 15 में धर्मेंद्र की एंट्री होती है। जी हाँ, सलमान खान ने बिग बॉस 15 में सभी सदस्यों से मिलके काफ़ी एंटरटेनमेंट किया है और लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है कि किस तरीका से न्यू ईयर की पार्टी में लोगों ने प्रतीक सेजवाल, निशांत भट्ट, देवोलीना भट्टाचार्य, रश्मि देसाई, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश सभी के साथ में एकदम काफ़ी एंटरटेनमेंट किया है। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फिलहाल बिग बॉस के अंदर काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिग बॉस में आपको पता है कि इस वीकेंड हालांकि घर से एक सदस्य बाहर जाने वाला है, तो वो बाहर जाने की लिस्ट में अगर बात की जाए तो काफ़ी नाम आ चुके हैं, लेकिन एक रिपोर्ट में तो सुनने में ये भी आ रहा है कि इस बार बिग बॉस के घर में से देवोलीना भट्टाचार्य घर से बेघर हो सकती हैं, क्योंकि देवोलीना भट्टाचार्य काफ़ी समय से बिग बॉस से थोड़ा सा अलग देखी जा रही हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सलमान खान ने अपने रियलिटी शो में काफ़ी जिक्र किया है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप इस घर से बाहर जा सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देवोलीना भट्टाचार्य एंड रश्मि देसाई की एकदम एक दूसरे के साथ में बहुत बड़ी नोकझोंक देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरीका से कुछ घर वाले अपसेट भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि न्यू ईयर के समय में घर वाले इस घर से बेघर होने जा रहे हैं। एक सदस्य ऐसा है जो इस घर से बाहर होकर ही रहेगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जल्दी ही आप इस घर से बाहर आओगे। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि न्यू ईयर के पास में आप लोग इस घर से देख पाएंगे कि देवोलीना भट्टाचार्य और रश्मि देसाई एक दूसरे को न्यू ईयर की शुभकामनाएं देते हुए भी नज़र आने वाली हैं, क्योंकि न्यू ईयर की पार्टी पर एक घर में आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बाहर से कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं जो कि घर वालों के साथ में एंटरटेनमेंट करते नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिग बॉस के घर में फाइट तो काफ़ी देखने को मिलती हैं, लेकिन इस समय दोस्ती का माहौल भी काफ़ी बना हुआ है, और दोस्ती के माहौल में हमेशा से ही देखा गया है कि करण कुंद्रा अपनी दोस्ती को वाकई में बखूबी निभाते नज़र आते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए।